तो सुबह के बज गए हैं 8:15 जितने। यहाँ पे ये टीवी देखने बैठ गया है उठने के साथ ही, और ये चला गया है बाहर। इसको कब से जाना था स्नो में खेलने के लिए, पर इतनी ठंडी है बाहर, पर फिर भी गया तो गया ही है ये स्नोबॉल बनाने के लिए। रात को 1 से 5 बजे तक स्नो गिरा था ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा गिरा होगा आई थिंक, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा होगा, वरना तो ये पूरा का पूरा भर जाता, 50% ही था। ये धीमे धीमे बना तो रहा है, बनेगा क्या? हाथ उसके गए। केयरफुल, आई नो। अभी ग्लव्स पहन के करेगा स्नोबॉल, है ना? स्नोमैन बना वे छे। हां स्नोबॉल है खूब मोटो। ओके, याद छे लास्ट ईयर हु केटलू मोटो बनायो तो। बहुत ही ज्यादा ठंडी है तो सब कुछ ड्रेस गाउन वेस्ट सब कुछ पहन के आ गए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया। मेरा तो किचन का क्लीनिंग का टाइम चल रहा था, अभी अभी सुबह सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। आज संडे का दिन है, पूरी रात स्नो गिरा था जैसे कि पता ही है, और आंटी बोल रहे थे अभी हेल्दी खाना है, आयरन मिलेगा खजूर पाक से, तो ये खाना गुंदा भी डाला है तो वो भी खाएंगे अभी। और यहाँ पे बाहर देखिए शिव ने ऑलरेडी बना दिया स्नोमैन, यहाँ पे कितनी मेहनत करके बनाया है। अभी 12 बजे तो बारिश भी आना स्टार्ट हो जाएगी वैसा दिखा रहा है प्रेडिक्शन में, देखते हैं। अभी पूरा गार्डन सबको देखो, देखो शिव का नाम आया ना ऊपर, वो रीडिंग कर रहा था वहां से देखने लग गया। शिव अंदर ऊपर है, अंदर ऊपर है। ना हूँ नहीं टच करू, ठंडू लागे। तो अभी इन दोनों को ना वो कैरेट वगैरह लगा के नोज, फिर हेट लगानी है, वो सब कुछ लगाना है। अभी प्लान और सब कुछ चल रहा है, शिवांश ऊपर से सब कुछ लेके आएगा, स्टोन ले लिया है। हाँ स्माइली फेस करू छे, तर जैकेट नहीं पहरू आम कर। ટચ નહી કરવા દે વળી વીકેન્ડ બહુ જલ્દી જ પાસ થઈ જાય ઓલવેઝ, હે ને? કાલ તો મંડે ભી થઈ જવાનો, दिन साल महीने इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा है, इतना जल्दी इतना भी। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि इतने जल्दी जल्दी दिन महीने साल सब कुछ जा रहे हैं? हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। अभी तुलसी विवाह की तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में दिसंबर भी आ गया। अभी शिवांश का बर्थडे का जो है वो ट्रिप प्लान किया हुआ है, वो भी आ जाएगा अभी 16 दिसंबर को, और उसके बाद न्यू ईयर भी आ जाएगा। इतना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है ना कि बस पूछो ही मत। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है सेम जैसे हमारे साथ हो रहा है? हमारा तो बहुत जल्दी यहाँ पे टाइम जा रहा है। वैसे पहले ऐसा हो रहा था कि विंटर का टाइम काटना मतलब लाइक एक टास्क हुआ करता था, अभी देखिए जैसे कि अभी है कितने 5:15 हुए हैं और अंधेरा तो हो ही गया है। हर बार यही होता है, इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है ना तो ऐसा होता कि कब दिन निकलेगा कब दिन निकलेगा, पर नहीं, अभी इतना ज्यादा बिजी भी रह रहे हैं। वैसे आज संडे का दिन है, पर फिर भी आज पूरा का पूरा मैंने किचन ही क्लीन किया, उसमें ही पूरा दिन चला गया, क्योंकि ना सारे मेहमान आ रहे थे, उसी बीच में कुछ ना कुछ रह रहा था ना, तो मेरा किचन तो रह जाता था क्लीनिंग करने के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए। तो सब कुछ मसाला वसाला सब कुछ भर के कर दिया है तैयार, हमारा किचन भी ऊपर का फ्लोर रहता है, वो आई थिंक मैं कल करूंगी। और अंधेरा होने के बाद ना वैसा होता है कि कुछ काम ही नहीं करना, पर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ऐसा भी नहीं है, पर फील होता है कि लाइक बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ ना कुछ राइटिंग रीडिंग वगैरह करवाती हूँ, ऊपर के फ्लोर में ही चले जाते हैं, ठंडी नीचे बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छा है। हम लोग थोड़े स्ट्रेस में हैं आज, आगे आगे वीडियो में सब कुछ बताती जाऊंगी।
अभी इमरजेंसी में गिरीश को जाना पड़ रहा है इंडिया, तो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सब कुछ आगे वीडियो में मैं बताती जाऊंगी। अभी तो फिलहाल लेट ही स्टार्ट किया हुआ है वीडियो, क्योंकि सुबह से फोन कॉल्स में और सभी चीजों में लगे हुए हैं। गिरीश भी थोड़े वीक फील कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी ऐसी न्यूज आती है ना तो थोड़ा मन भी उदास हो ही जाता है। सो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं अभी, बस इसी के साथ। कुछ बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से तो, क्योंकि पूरे दिन से इतने लाइक सब कुछ सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे ना, तो बस आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। ओके गिरीश, तो इंडिया में जो मेरी मदर इन लॉ रहती है वहाँ पे उनको आ गया था हार्ट अटैक, तो इसी वजह से सब लोग इतने स्ट्रेस में थे, अचानक से ये सब कुछ हो गया, तो इसीलिए गिरीश भी थोड़े ज़्यादा ही टेंशन में थे। हाँ, उनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो गए थे, लाइक आई मीन इमोशनली इतना तो होता ही है। मंडे सुबह जब भी कॉल आया तभी उन लोगों ने ये बोल दिया था कि अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गया था कि क्या करें क्या ना करें। ઉપાધિ નો કરતા હો, કાલે આવી જઈશ ગિરીશ, અત્યારે હુઈ જા, ટિકિટ લઈ લીધી છે, હા હો ને, અત્યારે હુઈ જાઓ, કાલ પહોંચી જાહે, તો ઠીક હે આપ સબ બઢિયા? હા, તો અભી અભી જાના હૈ ઇમરજન્સી મે ઇન્ડિયા, હા કલ સુબહ અભી થોડા જો કુછ લેના હૈ લે લેતે હૈ, ઇસલિયે જા રહે હૈ ટેસ્કો, हाँ टेस्को में से थोड़ा बहुत लेना है, और भी दो तीन काम जो होते हैं लास्ट मिनट के वो भी खत्म करने को होते हैं। तो गिरीश कल इस टाइम पे अभी यहाँ पे 5:30 हुआ है, कहाँ पे होगे? दिल्ली एयरपोर्ट। हाँ दिल्ली एयरपोर्ट मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे कितना सुनकार, कुछ भी आवाज नहीं है, वैसा है वहाँ पर बीप 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 आवाज सुनना स्टार्ट हो जाएंगे। और नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं और सब कुछ, पर क्योंकि गिरीश का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो इसलिए लाइक थोड़ा सा लाइफ को नॉर्मल करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से सारे जो न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक ये बोला जा रहा है रिपोर्ट्स में कि सब कुछ ठीक है। अभी आगे आगे तो सब कुछ जो सर्जरी वगैरह करनी है तो वो तो करनी ही पड़ेगी, पर अभी फिलहाल जो है कंडीशन वो इम्प्रूव हो रही है, तो बस अभी बैग पैक्स होना हो गया है स्टार्ट। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा भी लग रहा है और डाउन भी। हाँ, पर कोई बात नहीं, अभी ठीक है तो मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत हो रही है हमारी भी वीडियो कॉल में वगैरह में, उनको दवाई दी होती है ना तो इसलिए नींद ज्यादा आते हैं, तो सो रहा है तो उसको सोने को ही बोला है, बातचीत करने को ना बोला है, तो धीमे धीमे वो भी रिकवर हो रहा है। बस अभी पैकिंग वैकिंग कर दे गिरीश। Yes. तो तमे लोको अहिया एकला जलसा? यार मने तो अत्यार थी मैं लोफ्ट है हूँ करे काय नहीं हुई रहता तो नहीं एकला तमार वोस तो अलग छे। पैकिंग चल रही है अभी गिरीश की पेल ड्रोवर जो कितलो फिर ऊपर तो अभी कितना मैं काम करूँ सारा, अभी आप जाओगे फिर काम कुछ नहीं है, बस यही काम करना है, घर क्लीन करने का। ओके करेंगे धीमे धीमे, હમણાં થોડો ટાઈમ હું નથી જ્યાં સુધી જલસા કરજો, જલસા હસ તો કેસે હોગા હો જાયેગા, અભી ઇમરજન્સી હૈ તો જાના ભી હૈ। યસ બોલના તો જૈસે ચલતા રહે વૈસે ચલતા રહેતા, લોગ સાથ મે જાતે પર ક્યા હૈ કિ સ્કૂલ બચ્ચો કી સ્કૂલ ભી હૈ સબ કુછ, અભી છુટ્ટી અભી હમ લોગ ઇન્ડિયા આયે થે ના તબ બહોત જ્યાદા છુટ્ટીયા લે લી થી, તો અભી સ્કૂલ વાલે ભી નહીં દે રહે ઇતને જ્યાદા અલાઉ નહીં હૈ, તો ઇસલિયે વરના તો સાથ મે સબ લોગ જાતે, गिरीश का जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे से। यस तो मैं तो निकल रहा हूँ कल मॉर्निंग,
कोई बात नहीं, जो काम के लिए जा रहे हो बस वो सक्सेस अच्छे से हो जाए मम्मी, वही बहुत है, प्रायोरिटी अभी मम्मी है। यस। चलो, ठंडे कपड़े ले जाने हैं या गर्म ले जाने हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोनों दोनों मिक्स, क्योंकि वहाँ पे जैसा जैसा वेदर वैसे पहनेंगे। अभी दस दस एक वीक में तो क्या कितने ही लेके जाएगी आप, तो देखते हैं। अभी तो एक वीक किया है टिकट का, पता नहीं ना वहाँ जाके। हाँ, एक वीक का किया हुआ है, अभी ठीक हो गए तो आप वापस आ जाना, वरना रुक जाना। यस, वरना हम भी आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे आप। हाँ, वो तो देखेंगे फिर होपफुली। चलो, गिरीश की बैग वगैरह सब कुछ भी हो गया है तैयार, और मुझे टेंशन आ रहा है मैं कैसे निकालूंगी। बदला ले रहे गिरीश बहुत खराब तरीके से। अभी कथा आ रही है दाल ढोकली देने के लिए, सो गए थे सब लोग, फिर वापस उठ के नीचे आ गई मैं और गिरीश, इंतजार हो रहा है दाल ढोकली का। ठंडे से बहुत जबरदस्त, तो मैं तो मस्त वेदर में जाऊ। कैसी है तेरी हालत? बहुत ही बुरी है भाई मेरी हालत, मत पूछो। हीटर नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है, गरम कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी दाल ढोकली बनाई के। और मैं खा रहा हूँ बिना लाइट वाली दाल ढोकली। बिना लाइट, लाइट तो आती है, बिना गर्म पानी वाली। बर्तन धोने का पानी नहीं है पर अभी, वो तो गैस में चढ़ाएंगे तो गर्म पानी हो ही जाएगा। हाँ, तो उतने में होते हो गया नहीं ना हमारा, ये तो वांधो नहीं, ये तो वांधो नहीं, पर गरम पानी नहीं मिले तो हाथ भी मानस की ठंडी लागे। अच्छा, गार्डन में तापनो पची पुल भर दो, आखो फैमिली आइडिया जो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, एवं चालतो पटे भर वे तो आपणो साथ આપો છો ને બર ત્યારે તો એવું ક્યાં હતું વેધર ગામડા ના 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 એ બધું નહીં કરું, કાલે બધા સબ ફેમિલી અહીંયા આવી જાશો मेरा दर्द समझ सकती है। ये फ्लाई क्या थी एवी खबर नहीं, मेहमान छे एक वीक थी अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही जल्दी निकलना था तो इसीलिए जल्दी से सो भी गए थे, और 3 बजे 3:30 बजे जगना था और 4 साढ़े 4 बजे अराउंड निकल जाना था, तो इसीलिए फिर सो गए। और गिरीश भी थोड़े काम डाउन ही थे उसके बाद, क्योंकि इंडिया से फोन कॉल्स हमारा चलता रहता था। अभी मम्मी की तबीयत बहुत बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सर्जरी करने होती है वो तो करनी है, पर स्टेबल है, जो हार्ट रेट वगैरह बोल रहे थे ना एकदम से डाउन हो गए थे वो सब कुछ अभी लेवल में है, तो सब कुछ ठीक है। तो बस कल ज़्यादा अपडेट्स दूंगी, तो अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय बाय एंड टेक केयर।